पंडोह जूनी खड्ड के नजदीक दरिया में लोगों ने डेड बॉडी को देखा तो लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। दरिया में ज्यादा पानी होने के कारण बॉडी को बाहर नहीं निकाला जा सकता था। बॉडी पत्थरों के बीचों बीच फंसी थी। चौकी इंचार्ज पंडोह नारायण सिंह ने बीवीएमबी प्रशासन को पानी कम करने के लिए कहा ताकि बॉडी को बाहर निकाला जा सके। पंडोह चौकी ने इसकी इन्फॉर्मेशन मंडी सदर थाना को दी। सदर थाना प्रभारी विनोद ठाकुर मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि दरिया में एक डेड बॉडी फंसी है, उसको बाहर निकाला गया, अब इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुल्लू में 10 दिन पहले एक गुमशुदी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। उन्होंने कहा कि परिवारजनों को बॉडी की फोटो व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेजी हुई है। उन्होंने कहा कि उनके परिजन बॉडी की शिनाख्त करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आज हमें पंडोह चौकी से एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जीवनी खड्ड के पास एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिली हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये काफ़ी दिनों पहले की और ये नदी में बह के यहाँ पर आई हुई है। तो जो हम मौके पर आए और हमारी पुलिस टीम भी आई थी, तो हमने थोड़ा सरसरी तौर पर जब इसका पता किया तो एक कुल्लू पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई है। जो हमने उसके परिजनों को जब इसके व्हाट्सएप के जरिए फ़ोटो भेजे तो शायद वो इसकी शिनाख्त कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारा वेट किया जाए तो हम उनका इंतज़ार करेंगे और अगर उसी मिसिंग पर्सन की डेड बॉडी होगी तो ये निमंत्रण कार्रवाई।